राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर दो फेज में तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेजी से जारी हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान 16 मार्च को किया गया था। इस दिन से पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से हर राज्य में आपराधिक घटनाओं को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है और लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगातार करोड़ों की जब्ती की जा रही है। इस दौरान राजस्थान में भी करोड़ों की जब्ती हुई है। आचार संहिता लागू होने के बाद यहां से 401 करोड़ की जब्ती की गई है, जबकि राज्य में इन मामलों में सबसे आगे जोधपुर जिला है, जहां आपराधिक घटनाओं और अवैध खेल ज्यादा चल रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार प्रदेश में अलग अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी कर रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाइयां की जा रही हैं। राजस्थान में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं यानी फ्री बीज और अवैध नकद राशि के रूप में लगभग 401 करोड़ रुपए की कीमत से ज्यादा की जब्तियां की हैं। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 401 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी 8 दिन में 401 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती हुई है। गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में 7 जिलों में 10-10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं अथवा नकदी बरामद हुआ है। ये जिले हैं जोधपुर, पाली, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर और बाड़मेर। जिलावार आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लगभग 32.88 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की जब्ती जोधपुर अकेले से हुई है। साथ ही लगभग 18.61 करोड़ की जब्ती पाली दूसरे स्थान पर है। जयपुर में 17.63 करोड़ रुपए, उदयपुर में 13.70 करोड़ रुपए, वहीं भीलवाड़ा में 13.8 करोड़ रुपए, गंगानगर में 12.65 करोड़ रुपए और बाड़मेर में 11.17 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की जब्ती की जा चुकी है। बताया कि लगातार कार्रवाई चुनाव होने तक अनवरत जारी रहेगी। तमाम एजेंसियां इन पर निगरानी बनाए हुए हैं।